नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। चेन्नई में डीएम के सांसद एस जगत रक्षण से जुड़े ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन आयकर अधिकारियों की छापेमारी जारी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली के आबकारी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के दो करीबियों को समन भेजा है। जिन लोगों को समन भेजा गया है उनके नाम सर्वेश मिश्रा, कंवर बीर सिंह और विवेक त्यागी शामिल है। पंजाब के अमृतसर के मजीठा रोड के नागकला गांव में एक फैक्ट्री में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई है, सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण कलिम्पोंग जिले में रामबी के पास एनएच10 के किनारे स्थित सैकड़ों दुकानों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारतीय रेसलिंग के लिए एशियन गेम्स 2023 में शुक्रवार का दिन निराशाजनक रहा। बजरंग पुनिया समेत चार पहलवानों को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं राधिका को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में एमजी रोड पर स्थित सात मंजिला इमारत जय भवानी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस आग में 14 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को बुरी तरह हराया। टीम इंडिया ने शुक्रवार को हांगझो में खेले गए मुकाबले में 9 विकेट से जीत दर्ज की। रिजर्व बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद शुक्रवार को रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। गवर्नर शशिकांत दास ने इसका ऐलान किया है। मुंबई के गोरेगांव में आज सुबह भीषण आग लगने के कारण सात लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर सवाल ये है कि क्या हमें बीजेपी से बात करने की अनुमति दी गई थी तो इसका जवाब हाँ है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए मूल्य की करीब 10 से 12 क्विंटल भांग जब्त की है। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है और टीम इंडिया को इसकी शुरुआत होते ही बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल बीमार हो गए हैं। शुभमन को डेंगू हो गया है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच एनसीपी को लेकर लड़ाई चुनाव आयोग पहुंचने के बाद आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। संजय राउत ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह पर हुई कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी ईडी सीबीआई के जरिए विपक्षी नेता को डरा रही है। वर्ल्ड कप के पहले मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें सामने आई थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को आसानी से हरा दिया। शाहरुख खान की फिल्म जवान के रिलीज को एक महीना पूरा होने जा रहा है। फिल्म सिनेमाघरों में लगातार लगी हुई है, लेकिन गुजरते दिन के साथ जवान के कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार निभा रही है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर के बाद अब कुछ और सितारों को ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है। सूत्र की माने तो उन सितारों में एक नाम कपिल शर्मा का भी है। हीना खान, हुमा कुरैशी और श्रद्धा कपूर भी शामिल है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।